To get the same video in English, please subscribe our new channel Career A+. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ESE वीडियो सीरीज में। चलिए सीधी बात करते हैं। इस वीडियो में तीन सेक्शंस होंगे। पहला, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस, दूसरा ESE 2020 का प्रिपरेशन प्लान और तीसरा सेक्शन होगा हमारे कस्टमाइज्ड प्लान टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस से। तो अगर पिछले 25 सालों से टोटल क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इन सब्जेक्ट्स में से, अगर उस लिस्ट को देखा जाए तो वो ऐसी होगी। लेकिन पुराने पैटर्न के हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को दो पेपर में बांटा जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से पैटर्न बदल चुका है और अब दो पेपर्स की जगह एक पेपर को कंबाइन करके कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी जोड़े गए हैं, जैसे मैकेट्रॉनिक्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर हर सब्जेक्ट्स में पिछले 3 सालों के एवरेज क्वेश्चंस निकाले जाएं तो लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखेगी। लेकिन हमारी एनालिसिस में पिछले 3 सालों के पेपर्स को सबसे ज्यादा वेटेज, जो कि है 70% देंगे, क्योंकि वो एक न्यू सिलेबस के हिसाब से आ रहा है। लेकिन 30% वेटेज, जो कि एक बहुत छोटा सा पार्ट है, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि 2017 से पहले पूछे गए हैं उनको भी देंगे। अब अगर हम इसी वेटेज का यूज करें तो एवरेज क्वेश्चंस जो कि हर सब्जेक्ट से पूछे गए हैं वो कुछ इस तरीके से देखेंगे। अगर ऐसे ही हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं अपने एनालिसिस में तो हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का भी एवरेज निकाला जा सकता है और उसकी लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखते हैं और सिमिलरली जैसे सब्जेक्ट्स में किया था, इन टॉपिकों में भी लास्ट 3 साल में कितने एवरेज क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह लास्ट 3 इयर्स का वेटेज हम रखेंगे 70% और टोटल क्वेश्चंस जो पिछले 25 सालों में पूछे गए हैं उनका एवरेज रखेंगे 30%, तो हमारा नया वेटेड एवरेज ईच टॉपिक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट इस तरीके का होगा। सिंस हमारा पेपर टोटल 300 मार्क्स का होता है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर मार्क्स में कन्वर्ट करें तो ये कॉलम हमें ये बताएगा कि किस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा जाए ताकि आप उतने मार्क्स स्कोर कर पाए। अब अगर हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की लिस्ट बना के उन्हें सबसे ज्यादा मार्क्स से सबसे कम मार्क्स के सीक्वेंस में जमाया जाए तो हमें ऐसे टॉपिक्स का सीक्वेंस मिल जाएगा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट से सबसे कम इम्पोर्टेंट होंगे। अब इस टोटल लिस्ट में 104 टॉपिक्स हैं और अगर आप शुरुआत के 42 टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो आप अराउंड 200 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नाउ इन टॉपिक्स का लिस्ट करने का मतलब ये है कि जब भी ये आपकी प्रिपरेशन प्लान में आते हैं तो आपको इनको एक्स्ट्रा एफर्ट देके तैयार करना है। और वैसे भी हमारे प्लान ने दिनों के रूप में इन टॉपिक्स को एक्स्ट्रा वेटेज ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये लिस्ट आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे। अब अगला सेक्शन हमारे वीडियो में है प्लान ऑफ मेन प्रिपरेशन। हमने पिछले वीडियो में GS और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का प्रिपरेशन प्लान देखा था, आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस वीडियो में हमने देखा था कि GS का जो मेन प्लान है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होगा और 15 मार्च को एंड होगा। तो हमारा कोर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन 16 मार्च से 31 दिसंबर तक चलेगा, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी एग्जाम 5 जनवरी 2020 में होगी, जो नॉर्मली फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ में होती है। अब एक एक करके हर महीने का प्लान हम 5 सेकंड्स के लिए देख लेते हैं। मार्च के लिए प्लान इस तरीके से है, हमने यहाँ पे 2 रिविजन्स को इंक्लूड किया हुआ है, पहला सब्जेक्ट्स को खत्म होने के बाद और दूसरा उसके अगले सब्जेक्ट्स को खत्म होने के बाद। ये है अप्रैल का प्लान। अब 2 रिविजन्स का पर्पस ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आपके दिमाग में बना रहे। अब देखते हैं मई का प्लान। हमने हर महीने के आखिरी में बैकअप डे को जोड़ रखा है ताकि अगर आपका कोई भी डेली टारगेट छूट जाए तो इस बैकअप डे में कवर कर सकें। अब हम देखते हैं जून का प्लान। आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये प्लान आपको कैसे मिलेगा ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। अब आप नवंबर में देख सकते हैं कि हम अपना फाइनल रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब ये प्लान है दिसंबर का। हमारे रिवीजन में सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस उनके वेटेज के हिसाब से है, जिस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है वो सबसे पहले कवर किया जाएगा। अब लास्ट सेक्शन है कस्टमाइज प्लान टूल का। बहुत बार ऐसा होता है कि आप वीडियो तब देखेंगे जब प्लान की स्टार्ट डेट ऑलरेडी निकल चुकी होगी, तो आप लोगों की मदद के लिए मैंने एक ऑनलाइन टूल बनाया है जिसमें आप अपनी खुद की स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं और उसके बाद आपको उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज प्लान मिल जाएगा। पिछले वीडियो में आपने इस कस्टमाइज टूल के बारे में थोड़ा सा देखा था, अब इस वीडियो में लेकिन हम इसके और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं इसके बारे में देखेंगे। अब इस टूल को खोलने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट www.careerapplus.in/exam-plan पर जा सकते हैं। अब इंजीनियरिंग सर्विस सेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले आप ESE बटन को क्लिक कर लीजिए।
अब जब आप ESE सेक्शन को क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा पैनल खुल जाएगा। ये एक्स्ट्रा पैनल क्यों है इसके बारे में हम थोड़ी देर से देखेंगे। इसके बाद मैकेनिकल ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। पहले पैनल में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला ये कि आप GS और कोर सब्जेक्ट्स का एक कम्बाइंड प्लान को चूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ओनली GS का, इसका मतलब अगर आपको सिर्फ GS पढ़ना है तो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसी ऑप्शन का यूज करके सिर्फ GS का प्लान को जनरेट किया था। और फाइनली ओनली कोर ऑप्शन को चूज करके आप सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स का प्लान जनरेट कर सकते हैं, और इस वीडियो में हमने उसी का यूज किया है। अब एक एग्जांपल को देखते हैं कि आप इन ऑप्शंस का कैसे यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको GS और कोर सब्जेक्ट्स की साथ साथ तैयारी करनी है। अब आप पहले GS का प्लान ओनली GS ऑप्शन को सिलेक्ट करके ले लीजिए, फिर आप रिफ्रेश करके कोर सब्जेक्ट्स का प्लान ओनली कोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ले लीजिए, फिर इन दोनों प्लान के हिसाब से अपने दिन को डिवाइड करके अकॉर्डिंगली टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। हम आपको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इन ऑप्शंस को किस तरीके से यूज किया जाए। और मान लीजिए कि जिस तरीके का प्रिपरेशन प्लान आपको चाहिए वो डिफिकल्ट है इन ऑप्शंस को यूज करके, तो हम हमारे कस्टमाइज प्लान टूल के नेक्स्ट वर्जन में उस एनहेंसमेंट को जरूर लाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस वीडियो में जो हम प्लान देख रहे हैं वो सिर्फ ओनली कोर ऑप्शन को सिलेक्ट करके बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट पैनल के ऑप्शंस को देखते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन है कि स्टार्ट डेट। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करके अपनी स्टार्ट डेट चूज कर सकते हैं, और ऐसे ही एंड डेट को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 16th मार्च 2019 को अपनी स्टार्ट डेट माना है और 31st दिसंबर 2019 को एंड डेट लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या आपको प्लान सिर्फ रिविजन के लिए चाहिए। इस ऑप्शन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी के लिए इस ऑप्शन को स्किप कर दीजिए। ओके, तो अगला ऑप्शन है वेकेशन। अब अगर आपका कोई प्लांड वेकेशन है, जैसे कि इस बार दिवाली 27 अक्टूबर को पड़ रही है और इस पीरियड में अगर आपको छुट्टी लेनी है, तो आप यस ऑप्शन को क्लिक करके अपनी छुट्टी की स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट दिस ऑप्शन नो है। जब तक आप यस पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप डेट्स को एडिट नहीं कर सकते, और जब तक ये नो पे है तब तक डेट्स का ऑप्शन डिसेबल्ड रहेगा। बस इतना ही। अब आपको सबमिट फॉर कैलेंडर बटन को क्लिक करना है और आपका प्लान जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको नया कैलेंडर चाहिए तो आपको पेज को रिफ्रेश करना होगा। अब चलिए देखते हैं कि वो रिवीजन ऑप्शन किस बारे में है। अब मान लीजिए कि ये वीडियो आपने बहुत लेट देखा और आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और यह आपने कुछ प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है और अब आपको रिवीजन करना है, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करके इस टूल का यूज कर सकते हैं। और जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट फॉर कैलेंडर बटन पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे ज्यादा से सबसे कम वेटेज वाले सब्जेक्ट्स के सीक्वेंस में कैलेंडर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप ये ऑप्शन तब भी चूज कर सकते हैं जब आप रिवीजन सेक्शंस में हमारे प्लान के अकॉर्डिंग पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे फाइनल रिवीजन स्लॉट्स में टॉपिक का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। अब एग्जांपल के लिए हमारे इस प्लान में 13 दिसंबर 2019 से फाइनल रिवीजन चालू हुआ है और प्लान के साथ 31st दिसंबर 2019 को खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पैनल में ओनली कोर सब्जेक्ट्स का ऑप्शन चूज करूंगा, और सेकंड पैनल में स्टार्ट डेट 13 नवंबर 2019 और एंड डेट 31 दिसंबर 2019 को चूज करूंगा, और अब रिवीजन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बस इतना ही। अब सबमिट फॉर कैलेंडर बटन को दबाइए और आपको रिवीजन का प्लान मिल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट इस सेक्शन में है कि ये सब्जेक्ट वेटेज बटन का क्या काम है। अब आपको याद होगा कि हमने अपने वीडियो में एक लिस्ट देखी थी जो कि है हाईएस्ट एवरेज मार्क्स ऑफ टॉपिक्स टू लोएस्ट एवरेज मार्क्स ऑफ टॉपिक्स। अब ये लिस्ट आपको सब्जेक्ट वेटेज बटन को क्लिक करके तुरंत मिल जाएगी। अब जो पहले मैं चीजें आपसे शेयर करता था, अब वो डायरेक्टली आपको अपने हिसाब से आपको हमारी साइट्स पे तुरंत मिल जाएगी। अब ये डेटा और वेटेज हर साल की एग्जाम्स खत्म होने के बाद अपडेट होते रहेंगे। अब कुछ फीचर्स जैसे इस प्लान को कैसे डाउनलोड करें, इस पर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ और वो जल्दी आ जाएंगे। अभी के लिए आप चाहें तो स्नैपशॉट लेके अपने डिवाइस पर सेव कर सकते हैं। हमारे आगे आने वाले वीडियोस अदर ब्रांचेस के लिए भी सेम फॉर्मेट में रहेंगे। अब इस वीडियो और टूल को बनाने में, प्लस ये डेटा गैदर करके इसको लॉजिकल सीक्वेंस में रखने में बहुत मेहनत लगी। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बहुत मदद करेगा।
अब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों से ये जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए और हमें थोड़े से लाइक्स जरूर दे दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाएं। और सेम वीडियो इंग्लिश में पाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो हमेशा मंडे को आते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।